तो दोस्तों बजिस पैरेट में ये ग्रीन कलर निकलते हैं और येलो कलर निकलते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास सिर्फ ग्रीन कलर ही निकलते हैं और येलो कलर ही निकलते हैं, तो ये कलर क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, और ये वाइट कलर ब्लू कलर कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको और बजिस पैरेट की मैं जेनेटिक्स पर बात करूँगा। मैं आपको इस जेनेटिक्स की सीरीज़ में लेकर चलूँगा कि एपिसोड 1 है हमारा जेनेटिक्स का। तो बजिस पैरेट की मैं शुरुआत करूँगा। सिर्फ हमारे पास जो बजिस पैरेट की जो ब्रीडिंग आती है, ये बच्चे सिर्फ ग्रीन कलर के ही निकलते हैं, येलो कलर के ही निकलते हैं, लेकिन क्यों निकलते हैं वो जानिएगा वीडियो में। और वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखते रहिए इंडियन बजिजन लब्बर चैनल। मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजिजन लब्बर चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकलते हैं, ये सब जीन्स का खेल होता है। और जीन्स अगर आप जान गए तो आप अच्छे से अच्छा कलर निकाल सकते हैं और आप समझ कर इनकी पेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को नहीं मालूम कि इसके अंदर जो हम बर्ड लगा रहे हैं तो इसके अंदर कौन सा जीन्स है, मेल में कौन सा जीन्स है, फीमेल में कौन सा जीन्स है, और जेनेटिक्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। क्योंकि बजिस पैरेट ऐसा है कि इसके अंदर इतने कलर्स होते हैं, तो और जब आदमी न्यू फैंसियर होता है तो उसको जानकारी नहीं होती है, वो सारे कलर एक जैसे दिखाई देते हैं। जेनेटिक्स को समझ लेंगे तो आप अच्छे से अच्छा कलर लगा सकते हैं, अच्छे से अच्छा कलर बना सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं कि जीन्स के बारे में। अगर आप जान गए तो आप ये जानिएगा कि आप बहुत अच्छे कलर बना सकते हैं बजिस पैरेट में। तो दोस्तों मैं देखिए आपको फॉर एग्जांपल आपको दिखाता चलूँगा कि देखिए बर्ड में टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स का मतलब इसके अंदर एक ब्लू सीरीज़ होता है, एक ग्रीन सीरीज़ होता है। इसमें टू टाइप्स के बर्ड होते हैं, ब्लू सीरीज़, ग्रीन सीरीज़। ग्रीन सीरीज़ कौन सा है ये आप देख सकते हैं। ग्रीन सीरीज़ होता है जो वाइल्ड में ओरिजिनेट होता है, जो ओरिजिन जो है जहाँ से ऑस्ट्रेलिया से बर्ड पैदा हुआ है वो वाइल्ड है। वो वाइल्ड कौन सा होगा, जो जितने भी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन पैरेट में वो ग्रीन कलर के होंगे, वो वाइल्ड बजीज होते हैं। उन्हीं से जो है आपकी जो क्रॉस ब्रीड होते 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 वो ये सब जो है कलर्स में बदलती गए, सारे कलर्स निकलते गए इसमें बजीज पैरेट में। जो आप और कलर के आप देखे होंगे आपने, तो वो सिर्फ वाइल्ड बजीज से बने हैं, ठीक है, वो है ग्रीन सीरीज़। और ब्लू सीरीज़ कौन सा है, ब्लू सीरीज़ जो है आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लू सीरीज़ है आपका, ब्लू कलर है, वाइट कलर है, और आपका ये आप पाइड है, वाइट पाइड है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए ब्लू सीरीज़ में और ग्रीन सीरीज़ में फ़र्क क्या है। ग्रीन सीरीज़ जो होता है, ग्रीन सीरीज़ कितने टाइप के बर्ड होते हैं, ग्रीन सीरीज़ में एक तो आपको वाइल्ड बजीज मिलेगा और आपका ऑफलाइन मिलेगा, पाइड मिलेगा, और आपके येलो कलर का जो लुटिनो कलर का होगा वो ग्रीन सीरीज़ का बर्ड होगा। यानी कि उसकी जो बेस होगी वो ग्रीन जीन्स होंगे उसके अंदर। जो येलो कलर के बर्ड होता है उसके अंदर ग्रीन जीन्स होते हैं, और ब्लू सीरीज़ के जो बर्ड होता है वो ब्लू कलर होगा और वाइट कलर होगा। ऊपर से तो वाइट होगा लेकिन उसकी जो बेस होगा वो ब्लू होगा, ब्लू कलर होगा अंदर, ठीक है। तो और जितने भी वाइट कलर के पाइड होंगे वो ब्लू सीरीज़ के होंगे। तो ये सब ब्लू सीरीज़ में बर्ड आते हैं। तो इसमें टू टाइप्स के बर्ड होते हैं, देखिएगा कि ग्रीन सीरीज़ और ब्लू सीरीज़, इन दो टाइप्स में सीरीज़ चलती हैं। आप ग्रीन सीरीज़ के बर्ड अलग देखते जाएंगे और ब्लू सीरीज़ के बर्ड अलग देखते जाएंगे। तो दोस्तों यही वजह है कि ग्रीन सीरीज़ अगर आप बर्ड लगाते हैं, अगर आपने बर्ड लगाया ग्रीन सीरीज़ यानी कि वाइल्ड बजीज, और आपने लुटिनो भी लगा दिया येलो कलर का, तो क्या हुआ कि ग्रीन सीरीज़, दोनों ग्रीन सीरीज़ के जीन्स आपस में क्रॉस होते हैं, तो वो जितने भी बच्चे निकलेंगे वो ग्रीन निकलेंगे और येलो निकलेंगे, ठीक है। वो सिर्फ 100% ग्रीन सीरीज़ के बर्ड हो जाएंगे। तो ग्रीन सीरीज़ के जितने निकलेंगे ग्रीन और येलो, ठीक है। और ऐसे ही आप ब्लू सीरीज़ के बर्ड लगाते हैं, आप ब्लू सीरीज़ का यानी कि वाइट लगाते हैं, एल्बिनो लगाते हैं, ब्लैक आई वाइट लगाते हैं, और वाइट पाइड लगाते हैं, या ब्लू कलर का कोई भी लगाते हैं आपस में, तो बर्ड बच्चे जो निकलेंगे वो वाइट होंगे, वाइट पाइड होंगे, ब्लू में ब्लू कलर के निकलेंगे, तरह तरह के ब्लू कलर, लेकिन उसमें आपके ग्रीन मतलब वाइल्ड और येलो लुटिनो बच्चा नहीं निकलेगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप एक बर्ड वाइल्ड लेते हैं यानी कि ग्रीन सीरीज़ का, और एक आप बर्ड लेते हैं ब्लू सीरीज़ का यानी कि वाइट ले लें या ब्लू में ले लें, ठीक है, तो आप उन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, तो उन दोनों की जो क्रॉस ब्रीड होगी उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो आएगी वो ग्रीन बर्ड की आएगी, और सबसे जो 25% आएगी तो वो आएगी ब्लू सीरीज़ की। तो उसमें क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि ये जब इन दोनों का ब्लू और ग्रीन का जो क्रॉस होता है
ब्लड लाइन वो किसकी होगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखा, नेक्स्ट एपिसोड में। ये हमारा पहला एपिसोड था, तो पहले एपिसोड में दोस्तों सिर्फ यही था, ग्रीन बर्ड और ब्लू बर्ड में क्या फ़र्क है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पहली वीडियो में आपको पहचान बता दी है, ग्रीन सीरीज ब्लू सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा। तो इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।